सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनौका से किया, जिसने भव से पार उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन से वार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार, दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। संसार में जगी हुई जागृत आत्माएं जब देहधारी बनकर विश्व कल्याण के लिए, आस्तिक भाव को समृद्ध करने के लिए, मानसिक और शारीरिक वेदना से पीड़ा से आहत लोगों को राहत देने के लिए संसार में प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं, अवतरित होती हैं, तो उनको अवतार भी कहा जाता है और उनको परमेश्वर के देवदूत भी कहा जाता है, जो उसके द्वार से आते हैं लोगों का दुख हरण करने के लिए। तो आज महाराज का प्रकाश दिवस है। आज के दिन महाराज ने देह धारण करके संसार में प्रवेश किया और इस उद्देश्य के साथ कि वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। महाराज ने दलहोजी के स्थान पर परमेश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया। जगी हुई आत्मा तो पहले ही थे वो, और घर घर में जाकर सबके घट मंदिर में राम नाम के दीपक को प्रज्वलित किया और प्रज्वलित करते हुए साथ में ये शुभ कामना की कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। तो आज का जहाँ विशेष दिन है, विशेष पर्व है महाराज के जन्मदिन का, वह महाराज ने देहधारी बनकर इस संसार में जो प्रवेश किया था और शुभकामनाएं आशीर्वाद प्राप्त किया और आगे घर घर में उस आशीर्वाद को बांटा, राम नाम को प्रचार के और प्रसार में अपनी जिंदगी समर्पित की और लोगों को मानसिक और शारीरिक वेदना की पीड़ा से आहत लोगों को राहत दी। तो आज फिर वो कष्ट की घड़ी इस विश्व में आई हुई है, तो उसके लिए परमेश्वर का, महाराज का आशीर्वाद की याचना तो करनी है, वो मिल भी रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है, उनका आशीर्वाद साथ है, लेकिन उसके लिए हमने भी कुछ अपना योगदान देना है। अपनी सावधानियां करके आज के दिन हमने संकल्प लेना है कि जैसे गवर्नमेंट भी कह रही है सोशल डिस्टेंस रखना है, क्योंकि ये जो वेदना पीड़ा परमेश्वर की घर से तो राहत ही मिलती है, लेकिन हमारे कुछ कर्मों को हमारे सजा देने या हमारे को बताने के लिए, अपने परमेश्वर अपना स्वरूप दिखाने के लिए जो घड़ी आई है उसमें जो परमेश्वर ने बुद्धि दी है उसका भी प्रयोग करते हुए एक दूसरे के सोशल डिस्टेंस रखना है, 6 फुट का कह रहे हैं वो रखना है, मास्क लगा के रखना है। और आज एक जो चाइना का विशेषज्ञ हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा हम तो अपने देश में यही कहते हैं कि अपने घर में जहाँ आइसोलेशन रखनी है, घर से बाहर अगर निकल के जाओ, कहीं जाओ कुछ काम करने के लिए ज़रूरी, तो घर वालों को ये सोचना, तो उसको भी ये सोचना कि मैं कोरोना को लेके आया हूँ और मैंने उससे अपने आप को स्वच्छ करना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जहाँ परमेश्वर के और कर्तव्य कर्म समझते हैं, हम ये भी कर्तव्य कर्म समझना है, ये भी देश के प्रति जागृति या समर्पण है आज के दिन कि अपने आप को बचाना है और दूसरे को भी बचाना है, सोशल डिस्टेंस रखनी है, मास्क पहनना है,
अगर ज़रा सा भी किसी को तकलीफ हो उसका विशेष ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर से मैं आज के दिन यही प्रार्थना करूँगा कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए, इस विपत्ति से इस आफत से जल्दी मुक्ति मिले। घरों में जो लोग बंध के बैठे हैं वो बंधन जो है वो यही समझना आज के दिन कि हम तपस्या कर रहे हैं, उसको बंधन को बंधन नहीं समझना, उसको तपस्या का रूप समझना है। इसी बहाने हम आत्म चिंतन कर सकते हैं, अपने अंदर देख सकते हैं, अपने दोषों को देख सकते हैं और परमेश्वर के जाप में अधिक से अधिक मन लगाने का समय भी परमेश्वर ने दिया है, पर्याप्त समय दिया है। इसको तप के रूप में लेना है, कष्ट के रूप में नहीं लेना। आज के दिन फिर आपको महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उसके लिए आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि राम नाम गठ भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में बिना विसरे राम 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 श्री राम राम राम। दीना बंधो दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत मेहर कृपा आशीर्वाद की याचना करते हैं इस विश्वास के साथ कि महाराज का आशीर्वाद हमारे अंग संग है। तू मेरा राखा सब नहीं थाई।